Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, आज के इस वीडियो में हम Excel में सीखेंगे VBA कोड का यूज़ करके यानी विजुअल बेसिक कोड का यूज़ करके किसी भी डेटा को हम चेंज करने से रोक सकते हैं अर्थात कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं. जैसे अभी देखिए यहाँ पर ये जो डेटा है इसको मैं हटाता हूँ तो ये हट जाता है. ठीक है, फिलहाल मैं इसे लेके वापस आता हूँ. ये देखिए यहाँ का डेटा मैं हटाता हूँ तो ये यहाँ से हट जाता है, फिर मैं वापस लेके आता हूँ इसे. हम ये चाहते हैं कि ये प्रोटेक्ट हो जाए. प्रोटेक्ट करने का तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ. देखिए मेरे पास एक्सेल का 2007 वर्जन है, आपके पास जो भी हो तरीका यही होगा. आपको जाना है कहाँ पे? आपको जाना है डेवलपर टैब पे, क्लिक कीजिए और आ जाइए विजुअल बेसिक, ये जो लिखा हुआ आ रहा है ना इस पर क्लिक कर दीजिए या फिर अल्ट के साथ F11 दबा दीजिए तो भी विजुअल बेसिक वाला जो होता है वो खुल जाएगा विंडो. ठीक है, तो यहाँ पे विजुअल बेसिक का विंडो खुल चुका है. अब आपको क्लिक करना है इंसर्ट पे, आप देख सकते हैं इसको क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद क्लिक कर दीजिए मॉड्यूल पे. बस मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वो कोड टाइप करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ. तो ध्यान से, बहुत ही ध्यान से इस कोड को देखिएगा. ठीक है, और यही आपको बिल्कुल टाइप करना है कोड. ठीक है, तो चलिए अब उस कोड को लिखते हैं. वो कोड है, यहाँ लिखिएगा आप SUB सब. ठीक है, गैप दीजिए प्रोटेक्ट सब प्रोटेक्ट. ठीक है, और यहाँ लगाइएगा अंडरस्कोर यानी अल्फाबेटिक बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद वाला जो बटन है उसको शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो आपका हो जाएगा वो अल्फाबेटिक बटन होता है और अल्फाबेटिक बटन में इसे बोलते हैं अंडरस्कोर, तो ये अंडरस्कोर लग जाएगा. इसके बाद आपको लिखना है शीट SEET क्योंकि शीट को ही प्रोटेक्ट करना है और यहाँ लगाइएगा ब्रैकेट, इंटर प्रेस कीजिएगा तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा खुल करके. अब यहाँ पर लिखना है एक्टिव शीट SHEET .protect. ये आपको लिखना है और बस आपका काम हो चुका है. यहाँ से आप इसको रन करवा दीजिए. ठीक है, यहाँ पे आइए रन करवा दीजिए इसे. ठीक है, अब मैंने इसे रन करा दिया है. अब हम चलते हैं अपने पुराने वाले डेटा पर. ठीक है, मैं इसे मिटा रहा था तो ये मिट जा रहा था. अब देखिए ये पूरी तरह से डेटा हमारा प्रोटेक्ट हो चुका है. अगर मैं इसको भी मिटाने की कोशिश करूँ, इरेज करने की, तो ये क्या आ रहा है, द सेल और चार्ट that you are trying to change is protected and therefore read only. ये सिर्फ read only बन चुका है, ये पूरी तरह से protect हो चुका है password से. ठीक है, और visual code से protect हो चुका है, visual basic के code से इसे हमने protect किया है न कि password से. ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी कोई भी data हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें. Even हम चाहें कि यहाँ से हम इसको resize भी कर लें तो ये resize भी नहीं होगा. ठीक है, यहाँ से देखिए इसको रिसाइज करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ तो रिसाइज नहीं हो रहा है. बात करते हैं शॉर्टकट की, Alt-H-O-I ये भी लगा रहा हूँ तो ये भी काम नहीं कर रहा है, यहीं तक आकर के ये रुक जा रहा है. मैं फिर से यहाँ पर भी Alt-H-O-I लगाता हूँ, Alt-H-O-I, आई दबाने पर कुछ नहीं हो रहा है, यानी ये पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो चुका है. तो उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आई होगी आपको और कैसे ये विजुअल बेसिक का कोड लिखना है ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा. और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो खुल करके इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.